हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से महज कुछ दिन पहले ही सत्तारूढ़ बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में कुल 26 कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर तस्वीरें शेयर की और लिखा कि रिवाज बदल रहा है। आज शिमला के कांग्रेस पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों सहित कई साथियों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामा। भाजपा परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए एकजुटता के साथ कार्य करें। इन 26 नेताओं में कांग्रेस के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर, पूर्व सचिव आकाश सैनी, पूर्व पार्षद राजन ठाकुर और पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमित मेहता के भी नाम है। मालूम हो कि हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी। प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने वोटरों को रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और दिग्गज हुंकार भरने लगे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया।